और अब बात परीक्षा पे चर्चा की। स्टूडेंट्स के लिए मोदी सर की क्लास, अभिभावकों और शिक्षकों से भी पीएम आज संवाद करने वाले हैं। वो शुरू भी होने जा रही है कुछ देर के बाद। परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। अब जानते हैं हम पिछले एक साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण हर किसी को नया नया इनोवेशन करना पड़ रहा है। मुझे भी आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है और आपसे रूबरू न मिलना, आपके चेहरे की खुशी न देखना, आपका उमंग और उत्साह न अनुभव करना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन फिर भी परीक्षा तो है ही है, आप है, मैं हूं, परीक्षा है, तो फिर अच्छा ही है कि हम परीक्षा पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे और इस साल भी ब्रेक नहीं लेंगे। अभी हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। एक बात मैं शुरू में जरूर देशवासियों को भी बताना चाहता हूं और गार्डियंस को बताना चाहता हूं, टीचर्स को बताना चाहता हूं, ये परीक्षा पे चर्चा है लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। एक हल्का फुल्का माहौल बनाना है, एक नया आत्मविश्वास पैदा करना है और जैसे अपने घर में बैठ के बातें करते हैं, अपनों के बीच बात करते हैं, यार दोस्तों के साथ बात करते हैं, आइए हम भी ऐसे ही बात करेंगे। नमस्कार होनरेबल पीएम सर, मेरा नाम एन पल्लवी है, मैं 9वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। सर, हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि पूरा साल पढ़ाई ठीक चल रही होती है लेकिन जैसे ही परीक्षा निकट आती है बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। कृपया इसके लिए कोई उपाय बताइए सर, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद पल्लवी, मुझे बताया गया है कि इसी तरह का और भी एक सवाल है। सादर अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अर्पण पांडे है, मैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मलेशिया में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे अपनी भावी भविष्य की सफलता हेतु एक प्रश्न के उत्तर की आकांक्षा करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसमें मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मेरा प्रश्न है, परीक्षा की तैयारी के दौरान हमारे मन में आने वाले भय और तनाव से हम कैसे उभरे, कि क्या होगा अगर अच्छे अंक और अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं। धन्यवाद पल्लवी। अर्पण, देखिए आप जब ये फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो? क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है, पहले से पता है, साल भर पहले से पता है, अचानक तो नहीं आया है। और जो अचानक नहीं आया है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है, इसका मतलब हुआ कि आपको डर एग्जाम का नहीं है, आपको डर किसी और का है। वो क्या है? आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है कि यही एग्जाम सब कुछ है, यही जिंदगी है और इसके लिए पूरा सामाजिक वातावरण, कभी कभी स्कूल का वातावरण भी, कभी कभी माँ बाप भी, कभी अपने रिश्तेदार भी एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना से आपको गुजरना है, बहुत बड़े संकट से गुजरना है। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, खास करके मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, आपने क्या करके रख दिया है?
मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती है। हम आवश्यकता से अधिक ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, हम थोड़े ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है, ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं, एक छोटा सा पड़ाव है, हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, परिवारजन हो, यार दोस्त हो, अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बच्चों को घर में सहज तनाव मुक्त जीना चाहिए। छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें जो रोज करते थे वैसी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले माँ बाप बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे और सहज भी रहते थे और कई विषयों पर इन्वॉल्व रहते थे। आज जो भी इन्वॉल्व रहते हैं वो ज्यादातर कैरियर, एग्जाम, पढ़ाई, किताब, सिलेबस, मैं उसको सिर्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता हूं, और इससे इन्हें अपने बच्चों के असली सामर्थ्य का पता नहीं होता है। अगर माँ बाप ज्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति, इस सबको अच्छी तरह समझते हैं और जो कमियां हैं उन कमियों को समझ करके उसको भरने की कोशिश करते हैं, और उसके कारण बालक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसकी स्ट्रेंथ माँ बाप को पता है, उसकी वीकनेसेस माँ बाप को पता है, और उसके कारण माँ बाप समझते हैं कि ऐसे समय वीकनेसेस को बाजू में करो, स्ट्रेंथ को जितना बल दे सकते हो दो। लेकिन आज कुछ माँ बाप इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बच्चों के साथ रियल सेंस में इन्वॉल्व होने का समय ही नहीं मिलता। इसका परिणाम क्या होता है, आज बच्चे के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए पेरेंट्स को एग्जाम के रिजल्ट का सीट देखना पड़ता है, और इसलिए बच्चों का आकलन भी बच्चों के रिजल्ट तक ही सीमित हो गया है। मार्क्स के परे भी बच्चे में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें पेरेंट्स मार्क ही नहीं कर पाते हैं। साथियों, हमारे यहां एग्जाम के लिए एक शब्द है कसौटी, मतलब खुद को कसना है। ऐसा नहीं है एग्जाम आखिरी मौका है, बल्कि एग्जाम तो एक प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को कसने का उत्तम अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं, जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को घड़ने का एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, उसे उसी रूप में लेना चाहिए। एक्चुअली हमें अपने आप को कसौटी पर कसने के मौके खोजते ही रहना चाहिए, ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमें भागना नहीं चाहिए। कसौटी पर कसने के मौके खोजते ही रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमें भागना नहीं चाहिए। आइए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम पुण्य सुनिया है, मैं कक्षा 11वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद केंद्र विद्यालय निर्जुली, डिस्ट्रिक्ट पापुम्पारे, स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ चैप्टर्स है जिनको लेकर मैं सहज नहीं हूँ, उनसे पीछा छुड़ाने में लगी रहती हूँ।
मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, मैं उन्हें पढ़ नहीं पाती हूं। शायद ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। सर, इस स्थिति को कैसे दूर किया जा सकता है? धन्यवाद सर। चलिए, आंध्र से हम मलेशिया, मलेशिया से अब अरुणाचल पहुंच गए, और मुझे बताया गया है कि इसी प्रकार का कोई और एक सवाल भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम विनीता गर्ग है और मैं SRDAV पब्लिक स्कूल में 25 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स को डर का सामना करना पड़ता है, इस वजह से वह इनसे बचते हैं। इसके बारे में इतिहास या गणित जैसे विषयों के शिक्षक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टीचर के तौर पर इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ अलग प्रकार का ही विषय मेरे सामने आया। मैं कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स के मन को छू सकूं और टीचर्स की बात पर गौर के साथ कुछ समाधान बता सकूं। आप दोनों ने किसी खास सब्जेक्ट या चैप्टर से डर की बात कही है। आप लोग अकेले नहीं हैं जिनको इस स्थिति का सामना करना पड़ता हो। हकीकत तो यह है कि दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ये बात लागू न होती हो। मान लीजिए आपके पास बहुत ही बढ़िया 5-6 शर्ट है, लेकिन आपने देखा होगा एक या दो शर्ट आपको इतने पसंद आते होंगे, बार बार पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेकार हैं, फिटिंग ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। उन दो इतने अच्छे लगते हैं कि आप उसको बार बार पहनते हैं। कई बार तो माँ बाप भी इन चीजों के लिए गुस्सा करते हैं कि कितनी बार इसको पहनोगे, अभी 2 दिन पहले तो पहना था। पसंद नापसंद मनुष्य का स्वभाव है, और कभी कभी पसंद के साथ लगाव भी हो जाता है, और इसमें डर की दुविधा की क्या बात है कि हमने डरना चाहिए। दरअसल होता क्या है, जब आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती हैं तो उनके साथ आप बहुत कंफर्ट हो जाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है, सहज हो जाते हैं। लेकिन जिन चीजों के साथ नहीं होते उनके तनाव में आपकी 80% एनर्जी आप उसी में लगा देते हैं। और इसलिए स्टूडेंट से मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सभी विषयों में बराबर बराबर। आपके पास पढ़ाई के लिए 2 घंटे हैं तो उन घंटों में हर सब्जेक्ट को समान भाव से पढ़िए, अपने समय को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए। साथियों, आपने देखा होगा टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें, ये आम तौर पर ये कहा जाता है, और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है कि जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोग भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए, आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री था फिर प्रधानमंत्री बना तो मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुतों से सीखना पड़ता है।
चीजों को समझना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, जो मुश्किल बातें होती है, जिसके निर्णय थोड़े गंभीर होते हैं, मैं मेरे सुबह जो शुरू करता हूँ तो कठिन चीज़ों से शुरू करना पसंद करता हूँ। मुश्किल से मुश्किल चीज़ें मेरे अफसर मेरे सामने लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरा एक अलग मूड होता है, मैं चीज़ों को बिल्कुल तेज़ी से समझ लेता हूँ, निर्णय करके बढ़ता हूँ। मैंने अपना एक नियम बनाया है, कोशिश की है। और जो सरल चीज़ें हैं, दिन भर की थकान के बाद रात देर हो जाती है, तो चलो भाई अब उनको मैं ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलती होने का कारण नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं देर रात तक खींच लेता हूँ। लेकिन सुबह जब उठता हूँ तो फिर कठिन से ही मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता हूँ। दोस्तों, एक और बात हमें अपने आप से सीखनी चाहिए। आप देखिए, जो लोग जीवन में बहुत सफल हैं वो हर विषय में पारंगत नहीं होते, लेकिन किसी एक विषय पर, किसी एक सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ जबरदस्त होती है। अब जैसे लता दीदी हैं, लता मंगेशकर जी की पूरे दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान के हर जुबान पे नाम है, लेकिन अगर कोई जाकर के उनको कहे कि आज हमारे क्लास में आइए और ज्योग्राफी पढ़ाइए, हो सकता है वो न भी पढ़ा पाए, पढ़ा भी पाए, मैंने क्या जानता हूं कि वो पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए, लेकिन लता जी की महारत ज्योग्राफी में शायद न भी हो, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्होंने जो किया हुआ है, एक विषय पर जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया है, आज वो हर एक के लिए प्रेरणा का कारण बन गई है। और इसलिए आपको भले कुछ सब्जेक्ट मुश्किल लगते हो, ये कोई आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट की पढ़ाई से खुद को दूर मत कीजिए, उसे भागिए मत। वहीं टीचर्स के लिए मेरी सलाह ये है, वो विद्यार्थियों से उनको टाइम मैनेजमेंट के संबंध में, उसके तौर तरीके संबंध में, सिलेबस के बाहर जाकर के भी कभी उनसे बातें करें, उनसे चर्चा करें, उनको गाइड करें। विद्यार्थियों को टोकने के बजाय उन्हें गाइड करें। टोकना रोकना, उसका प्रभाव मन पे और ज़्यादा नेगेटिव फैलता है। प्रोत्साहित करने से वो कॉन्सेंट्रेटेड ताकत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बातें क्लास में सार्वजनिक तौर पर जरूर कहें ताकि सबका प्रबोधन होगा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब किसी एक बच्चे को बुला करके चलते चलते थोड़ा सर पे हाथ रख करके बहुत ही प्यार से कहें, दे बेटे देखो भैया तुम इतने बढ़िया करते हो, जरा देखो इसको जरा थोड़ा ये कर लीजिए, देखिए तुम्हारे में बहुत बड़ी ताकत है, आप देखिए ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। एक काम करिएगा, आपके जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी जो कभी आपको बहुत कठिन लगती थी और आज आप उसको बड़ी सहजता से कर पा रहे हैं? ऐसे कुछ कामों की लिस्ट बनाइएगा। जैसे साइकिल चलाना कभी आपको कठिन लगा होगा, लेकिन अब वही काम आप बहुत सरलता से करते लेते होंगे। कभी तैरने की बात आई होगी, बहुत डर लगा होगा, उतरने से भी डर लगा होगा, लेकिन आप अच्छे तरह आज तैरना सीख गए होंगे, मतलब जो कठिन था उसको आपने कन्वर्ट कर दिया। आपके जीवन में ऐसी सैकड़ों चीजें होगी, अगर आप ये याद करके जरा किसी कागज पर लिख लेंगे तो कभी आपको किसी को भी, मुझसे भी कठिन वाला सवाल पूछना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई चीज आपको कठिन लगेगी ही नहीं। मुझ पर भरोसा कीजिए दोस्तों, एक बार करके देखिए। Honorable Prime Minister ji, vanakkam. I am Neelanam, studying 12th standard in Vivekananda Kendra Vidyalaya Matric Higher Secondary School, Kanyakumari. Dear sir, during this pandemic situation, after the online classes, we all get more free time than usual. I would like to know, how can we make the best use of our free time?
My thanks to our honorable Prime Minister for giving this opportunity. वणक्कम मम्मी पापा को पता चलेगा ना कि आप परीक्षा के समय में खाली समय की बात कर रहे हैं, तो फिर देखिए क्या क्या होता है। खैर, मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा कि आप एग्जाम के समय भी खाली समय पर ध्यान दे रहे हैं, खाली समय पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। दरअसल खाली समय दो तरह के हो सकते हैं। एक जो आपको सुबह से ही पता है कि आज आप 3 से 4 बजे तक फ्री हैं, या आने वाले रविवार को आप आधा दिन फ्री हैं, या आप 4 तारीख को छुट्टी है, आप दोपहर तक आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता है। लेकिन दूसरा वो जिसका पता आपको लास्ट मोमेंट में चलता है। अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास खाली समय है, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं। दूसरा, आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। थोड़ा भारी भरकम शब्द है, स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती है। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अब आपने मुझे पूछा है, तो मैं भी सोचता हूं कि मैं क्या करना पसंद करता हूं। मैंने अपनी दिनचर्या में ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी खाली समय मिल जाए, और अगर झूला है, तो मेरा मन करता है कुछ पल में झूले पर जरूर बैठूं। बहुत थकान है और 5 मिनट का भी समय मिल गया, या फिर मैं कोई काम भी कर रहा हूं, तो अपने खाली समय में झूले पर बैठकर पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप खाली समय अर्न करते हैं, तो आपको उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू पता चलती है। इसलिए आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप खाली समय अर्न करें, तो आपको असीम आनंद दें। यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि खाली समय में किन चीजों से बचना चाहिए, नहीं तो वही चीज सारा समय खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और अंत में रिफ्रेश रिलैक्स होने के बजाय आप तंग आ जाएंगे, थकान महसूस करने लगेंगे। एक और मुझे लगता है कि खाली समय में हमें अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाने की, और ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जो शायद बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपके माँ या पिता अगर खाना बना रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए, नई नई चीजों में अंदर जाने का, कुछ नया जानने का। इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है, पर जीवन में इसका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। फ्री टाइम का एक और बेस्ट यूज हो सकता है कि आप कुछ गतिविधियों से अपने आप को जोड़ें, जिसमें आप को एक्सप्रेस कर पाए, आपकी यूनिकनेस को बाहर ले आ सके, जिसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी से जुड़ सके।
ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं और आप भी ऐसे बहुत से तरीके जानते हैं। स्पोर्ट्स हैं, म्यूजिक है, राइटिंग है, पेंटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव तरीका दीजिए, अवसर दीजिए। नॉलेज का दायरा कई बार वहीं तक सीमित होता है जो आपको उपलब्ध है, जो आपके आसपास है, लेकिन क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से भी बहुत दूर तक आपको ले जाता है, बहुत विस्तार के फलक पर ले जाता है। क्रिएटिविटी आपको उस क्षेत्र में ले जा सकती है जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा जो नया हो। हमारे यहां कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये क्रिएटिविटी की तो बात है। बच्चे बड़े करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कारण है, आज का जमाना और आज के बच्चे। ऐसे में हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का व्यवहार, आदतें और चरित्र अच्छा हो। प्रवीण कुमार एक जागरूक पिता के रूप में शायद मुझे पूछ रहे हैं, बड़ा कठिन सवाल है मेरे लिए। मैं कहूंगा कि पहले तो आप स्वयं चिंतन करें, आत्मचिंतन करें। क्या ऐसा तो नहीं है कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है, आप चाहते हैं वैसे ही जिंदगी आपके बच्चे भी जिए और थोड़ा सा भी उनमें बदलाव आता है तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है, वैल्यूज का ह्रास हो रहा है। मुझे बराबर याद है, एक बार मैं स्टार्टअप से जुड़े हुए नौजवानों से मैंने एक समारोह किया तो बंगाल की एक बेटी जिसने स्टार्टअप शुरू किया है अपनी पूरी कैरियर छोड़ करके, तो उसने अपना अनुभव बताया, वो मुझे हमेशा याद रहता है। उस बेटी ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कैरियर छोड़ दी और स्टार्टअप शुरू किया, और मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ ने तुरंत कहा सर्वनाश। यानी इतना माँ को झटका लगा, लेकिन बाद में वो बेटी स्टार्टअप में बहुत सफल रही थी। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने भाव विश्व में अपने बच्चों को जकड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आपका परिवार, आपकी परंपराएं, उसमें मूलभूत मूल्यों को कैसे जोड़ दें हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हमारे यहां कहा जाता है, जन सेवा ही प्रभु सेवा है, ये हमारे शास्त्रों में मूल्य के रूप में है। लेकिन आपके घर में पूजा पाठ तो बहुत होती है, दुनिया को दिखता है कि आप बहुत धार्मिक हैं, रिचुअल से भरा जीवन है, लेकिन आप जनसेवा में कहीं नजर नहीं आते हैं। अब जब आपकी संतान यह विरोधाभास देखती हैं, तो उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, सवाल खड़े हो जाते हैं, और सवाल उठना स्वाभाविक में है। उसी प्रकार से भी हमारे मूल्य हैं कि जीव मात्र से परमात्मा का वास है, उसी प्रकार से हम सबकी मान्यता है और हमें यह सिखाया गया है, हमारे जीवन मूल्य के रूप में प्रस्थापित हो चुका है, और हमारी सोच है कि जीव मात्र में परमात्मा का वास है। लेकिन आपके घर में जो काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, लिफ्ट चलाने वाला होता है, आपको स्कूल में छोड़ने वाला ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, क्या कभी आपने उनसे उनके सुख दुख की चिंता और चर्चा की है? क्या कभी आपने पूछा वे आपके परिवार में तो किसी को कोरोना नहीं हुआ है ना, आपके परिवार के तो सब सुखी है ना, आप जिस गांव से आए हो उस गांव में तो सब ठीक है ना, क्या आपने कभी पूछा है? अगर आप ऐसा करते
तो आपको अपने बच्चे को मूल्य नहीं सिखाने पड़ते। मैं आप पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, एक सामान्य व्यवहार की बात कर रहा। कुछ लोग वाकई ऐसा नहीं करते। बच्चे का बर्थडे होता है, बहुत सारी तैयारियां होती है। कितने लोग अपने घर में काम करने वालों से कहते हैं कि जो भी काम करना है 5 बजे तक पूरा कर दो, 6 बजे जब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे तब तुम भी हमारे परिवार के मेहमान के रूप में कपड़े पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके, परिवार के सबको लेकर के आ जाना। आप देखिए, आप उनसे क्या कहते हैं। आज घर में बहुत से मेहमान जाने वाले हैं, देर तक रुकना पड़ेगा। आप ऐसा कहने के बजाय क्या कहते हैं, देखो कल बहुत मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है, तुम घर बता के आ जाना, देर से आऊंगा, देर से आऊंगी। यानी आपका बच्चा देख रहा है कि इतना बड़ा उत्सव है घर में, लेकिन वो जो मेरे लिए मेहनत करते हैं दिन रात, वो तो इसमें हिस्सेदार ही नहीं है। और तभी उस बच्चे के मन में टकराव शुरू होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हम कहते हैं बेटा बेटी एक समान, ये मूल्य है हमारे। हमारे यहां देव रूप की जो कल्पना की गई है उसमें स्त्री भगवान का उतना ही महत्व है, लेकिन हमारे घर के वातावरण में बेटे और बेटी के बीच जाने अनजाने में जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें असमानता होती है। उसके बाद जब वही बेटा समाज जीवन में जाता है तो उसके द्वारा नारी समानता में कुछ न कुछ कमी की संभावना बन ही जाती है। ये सही है कि परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं तो बुराइयां हावी नहीं होती हैं, लेकिन 19-20 का ही फर्क होता है। बेटा बेटे के व्यवहार में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसे हमने जो अपना भाव विश्व बनाया हुआ है वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। इसलिए मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें, मूल्यों को जीकर प्रेरित करने का प्रयास करें। आखिरकार बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, जो आप कहेंगे उसे वो करेंगे या नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायित हो जाता है। और जब आप इन मूल्यों के साथ हमारे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे पुरखों की छोटी छोटी बातों को सहजता से जोड़ेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे, आचार व्यवहार में उतरना आसान हो जाएगा। नमस्कार सर, मैं प्रतिभा गुप्ता कुंदन विद्या मंदिर लुधियाना से। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें हमेशा काम करवाने के लिए बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, तो हम कैसे उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड बना सकते हैं ताकि वे अपनी चीजें खुद करें। धन्यवाद। आप बुरा ना माने तो मैं जरा इस विषय में आपसे अलग राय रखता हूं। मुझे लगता है कि बच्चों के पीछे इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि उनकी रफ्तार हमसे ज्यादा है। ये बात सही है कि बच्चों को सिखाने की, बताने की, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार के सबकी है, लेकिन कई बार बड़े होने के बावजूद हमें भी तो जरा मूल्यांकन करना चाहिए। हम एक सांचा तैयार कर देते हैं और बच्चे को उसमें ढालने की कोशिश करते रहते हैं और समस्या यहीं से शुरू होती है। हम इसे सोशल स्टेटस का सिंबल बना देते हैं। अक्सर माता पिता अपने मन में
कुछ लक्ष्य तैयार कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर बना लेते हैं और कुछ सपने भी पाल लेते हैं, फिर अपने उन सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। हम अपने लक्ष्यों के लिए बच्चों को जाने अनजाने में, माफ करना मुझे मेरा शब्द कहीं कठोर लगेगा, जाने अनजाने में हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट मानने लगते हैं। और जब बच्चों को उस दिशा में खींचने में विफल हो जाते हैं तो ये कहने लगते हैं कि बच्चों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की कमी है। किसी को भी मोटिवेट करने का पहला पार्ट है ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। एक बार बच्चे का मन ट्रेन हो जाएगा तब उसके बाद मोटिवेशन का समय शुरू होगा। ट्रेनिंग के कई माध्यम, कई तरीके हो सकते हैं, अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सुबह उठ करके पढ़े, आप उसे कहते हैं, बोलते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या आपके घर में कभी ऐसी किताबों की चर्चा होती है जिसमें इनडायरेक्टली सुबह उठने के फायदों की चर्चा हो? हमारे यहाँ आध्यात्मिक जीवन के लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही उनका दिवस प्रारंभ हो जाता है और वो उसी के नॉर्म्स का पालन करते हैं। तो दूसरी ओर आजकल 5 AM क्लब की भी चर्चा होती है। क्या आपने ऐसी किसी किताब की घर में चर्चा की है या कोई ऐसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें इस बारे में वैज्ञानिक तरीके से, तर्कबद्ध तरीके से, इमोशंस के साथ बातें बताई गई हो? ये एक बार करके देखिए। सुबह उठने के लिए बच्चे की ट्रेनिंग खुद ही हो जाएगी। एक बार मन ट्रेन हो गया, मन में बच्चा समझ गया कि सुबह उठने का क्या फायदा है, तो फिर वो खुद मोटिवेट होने लगेगा। यही तो एनवायरनमेंट क्रिएशन होता है जिसकी घर में सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बच्चे के बचपन का वो समय याद करिए जब आप उसको गोद में लेते थे। मान लीजिए आपकी जेब में पेन है या आपने चश्मा पहना है, बच्चा उसे खींचता है, चश्मा उतारता है, तो आप क्या करते हैं? आप बच्चे को अगर चश्मा वापस लेने की कोशिश करते हैं तो वो रोता है, पेन वापस लेने की कोशिश करते हैं तो रोता है, तो समझदार माँ बाप क्या करते हैं? उसको एक बड़ा बॉल उसके सामने खड़ा कर देते हैं, लेकर के खड़े हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है? चश्मे छोड़ देता है, पेन छोड़ता है, बड़ा बॉल खेलने के लिए ले लेता है, न रोता है, आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल देते हैं। आप उसका माइंड डाइवर्ट करके उसे ज्यादा पसंद की दूसरी पॉजिटिविटी देकर उसे मोटिवेट करते थे। ये जो काम आपने पहले किया है जब बच्चा बिल्कुल छोटा था, वही काम आप अब भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा एक दीप से जले दूसरा। आपका बच्चा पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा स्वयं प्रकाशित होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो प्रकाश आप देखना चाहते हैं वो प्रकाश उनके भीतर से प्रकाशमान होना चाहिए और वो आप के जागरूक सक्रिय प्रयासों से संभव है।
आप अपने एक्शंस में जो बदलाव दिखाएंगे वो बच्चे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। यहां एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, बच्चों को कभी भी भय पैदा करके ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कृपा करके ऐसी कोशिश मत कीजिए। एक प्रकार से वो तरीका लगता तो बहुत आसान है, लेकिन इससे एक तरह से नेगेटिव मोटिवेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे ही आपने जो हवा खड़ा किया है वो खत्म हो जाता है, बच्चे का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। और इसलिए पॉजिटिव मोटिवेशन साथ साथ बार बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर बल देते रहना चाहिए। मोटिवेशन का जो मंत्र बच्चों के लिए है, एक प्रकार से वो हम सबके लिए भी है, मनुष्य मात्र के लिए है। नमस्ते प्राइम मिनिस्टर सर, माय नेम इज तने एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सालमिया इंडियन मॉडल स्कूल कुवैत। सर, आई हैव ए क्वेश्चन टू आस्क यू दैट हाउ टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर द बैटल ऑफ लाइफ। थैंक यू सर। नमो ऐप पर मसूरी उत्तराखंड श्रीमान अशरफ खान ने लिखा है, सर हम सब जब अपने बड़े कजिन्स या दोस्तों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी स्कूल में तो तुमने जीवन देखा ही कहाँ है, जीवन की असल कसौटी तो स्कूल से बाहर निकल करके होगी। मेरा सवाल यह है कि आज हम अपने आप को कल की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करें। तनय, आप तो कुवैत से मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन तनय कभी किसी ने इस बात को मार किया है कि तुम्हारे जो आवाज है वो गॉड गिफ्टेड है? क्या कभी तुम्हारे माँ बाप ने, कभी आपके दोस्तों ने, कभी आपके टीचर्स ने कभी कहा है कि आपका ध्यान गया है? आज आपका सवाल सुनने के बाद, खैर रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं पक्का मानता हूँ कि आपको एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की आवाज़ परमात्मा ने दी है, कभी उस पर ध्यान दीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी विरासत बन सकती है। खैर मैं तनय की बातों की ओर चला गया, लेकिन जो सवाल आपने पूछे हैं, पहली बात तो ये कि जो लोग आपको ये कहते हैं उनके कहने का तरीका भले ऐसा होता है कि वो आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन मन के भीतर की सच्चाई को देखें तो वो अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा होता है।